नमस्कार, आप हैं द खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं द खबरदार न्यूज। बिंद के हर गांव को कवर करने की दिशा में हरिहरपुर पहुंची, जहां स्कूल, रोड और मनरेगा में रोजगार की स्थिति को जानने की कोशिश की गई। गांव वालों से बातचीत में पता चला कि गांव की सरकारी स्कूल की हालत खस्ता है। स्कूल तक पहुँचने के लिए रोड तक नहीं है, मजबूरी में बच्चों को खेत से ही जाना पड़ता है, जिससे पिछले वर्ष एक लड़की को सांप काट लेने की वजह से उसकी मृत्यु तक हो चुकी है। फिर भी ग्राम पंचायत की सरपंच ने अभी तक कुछ भी उचित व्यवस्था करवाने में अपनी असमर्थता जताई है। बता दें कि स्कूल की ग्राम पंचायत की बैठकों का केंद्र भी है। द खबरदार न्यूज आम लोगों से मनरेगा और प्रवासी मजदूरों के बारे में चर्चा की। वहीं सरपंच साहिबा से बात करने पर पता चला कि उनको किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है कि उनकी पंचायत में कौन से कार्य किए जा रहे हैं और किए जाने बाकी हैं। उनका सारा कार्य उनके पति और पंचायत सचिव देखते हैं। आइए आगे की जानकारी के लिए देखते हैं हमारे रिपोर्टर राजकुमार पांडे की यह रिपोर्ट। हरिहरपुर ग्राम पंचायत की सरपंच, मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में लोगों को कितना काम दिया गया? काम में तो हमको पता नहीं है, अब जे काम कराते हैं हम जान सके बताई हूँ या हमारे को बताई हूँ। तो अगर आप सरपंच हैं तो आपको पता क्यों नहीं है? अब पता, अब हम अब पढ़े लिखे वाले वही हैं, तब वही पता पूरा जाना थे। सब कौन काम देखता है? सब जो काम है तो सब पूरा काम देखते हैं, सर के मन लिखते हैं बताई हूँ। आपके हस्बैंड पति? हाँ। आपके पंचायत में कितने प्रवासी मजदूर आए हैं? बाहर से मजदूर कितने आए हैं? बाहर से मजदूर को हमको पता नहीं है, सब वही बताएंगे। इस समय क्या काम चल रहा है पंचायत में आपके विकास का? इस समय काम विकास की है, मनरेगा वाला चला है, पानी बरस रही तभी नहीं आ काम बंद। क्या काम हुआ है? कितने दिन चला है? चला है 15-20 दिन चला है। कितने मजदूरों को काम दिया गया है? अब मजदूरों में जो लिखे पढ़े थे अब बताई है, अब हम तो लिखे पढ़े नहीं। काम क्या हुआ है? काम क्या हुआ है? काम यह मनरेगा के भा काम, नाली के भा, मेड़ बधान के भा। नाली कहाँ बनी है? नाली बनी है वो टोला में बनी है। इधर क्या काम हुआ है? इधर हो गया यह मेड़ बधान का काम है। रोड का काम नहीं है? रोड का काम भा है पर अभी नहीं भया, वो ठीक तो नहीं रहा कहीं भी कि रोड का कार्य हुआ है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो काम हुआ है तो जेसीबी से कराया जा रहा है, क्या प्रवासी मजदूरों को नहीं? अब हमको देखी पता नहीं है, सेक्रेटरी साहब बताई है, वो पूरा काम में रहा था। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी साहब के मनमोहन सिंह नाम है। मनमोहन सिंह? क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह। कहाँ पर रखते हैं आप? ग्राम पंचायत। किस पद में? सचिव। सचिव के पद में। आपके यहाँ पर जो स्कूल है और स्कूल के बाद पंचायत भवन हो, एक ही भवन में लग रहा है, स्कूल में लग रहा है, उसका क्या कारण है? पंचायत भवन अपने पास न होने की वजह से कार्यालय हम वहाँ संचालित करना चाहते हैं, फिर उसे चाबी दिए हैं, सफाई कराई है इसकी। वहाँ पर आपने लिखवा भी दिया है? हाँ। जहाँ की लिखवाना नहीं चाहिए स्कूल में, क्या है जी, शास्त्री बिल्डिंग कहीं से नहीं, हमारा वाला शास्त्री बिल्डिंग में ही लिखवाई जाती है, उसमें लिखवा दिए। और यहाँ पर आपके स्कूल के लिए, पंचायत के लिए रास्ता भी नहीं है? हाँ, तो आप लोग कैसे जाते हैं? अब वहीं से निकल के आते हैं टीचर से। आपके यहाँ पे मनरेगा में कितना कार्य किया गया मनरेगा के तहत? मनरेगा में भी हम 100 मेड़ बंधान किए। कितने मजदूरों को रोजगार मिला है? करीब 22-25 मजदूर रोज लगे रहते हैं। 30 मजदूरों को रोजगार मिला, लाख राउंड के बाद। बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है? 32 से तो आए हैं 52। और कार्य अभी कितने कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं 25। और पंचायत विकास कार्य क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल वर्तमान में बंद है, चालू करना है। इनको नरेगा के तहत जो काम दिया जाता है तो क्या सैलरी, किस तरह का सिस्टम रहता है? इसका सिस्टम समझ खाते में पैसा आता है, 90 रुपये मजदूरी है, डायरेक्ट उनके खाते में रहता है मजदूरी। क्या नाम है आपका? अनुराग। ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत जो काम दिया जा रहा है वो आप लोगों को गांव में, मोहल्ले में किसी को मिल रहा है? किसी को नहीं मिला अभी तक, लॉकडाउन के बाद कोई काम मिला आपने? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई विकास का कार्य किया गया यहाँ पर? कुछ नहीं किया गया। सरपंच सेक्रेटरी का क्या काम है? सरपंच सेक्रेटरी के काम ही के तो लॉकडाउन में मास्क, सैनिटाइजर कुछ बांटा गया? हाँ, सैनिटाइजर हाथ धोने को पट्टी भर दिया गया, बस हो गया।
आप लोग कभी सरपंच सेक्रेटरी के पास गए काम के लिए कि हम लोग काम कर रहे हैं? हम लोग कई थे योजना के पड़े भी हैं, टेंथ मैन के भी, वो भी नहीं मिल रहा है, सरकारी बना हुआ है वो नहीं दे रहे हैं, कई चीज है ऐसा कुछ नहीं मिल रहा हम लोग, बस ऐसे जी रहे हैं भगवान। बाहर से जो प्रवासी मजदूर आए हुए हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं? लोग अपने अपने घर में हैं बेचारे, खा रहे हैं जो बाप बहतारी कमाए वही खा रहे हैं, और क्या करें। यहाँ पर मनरेगा के तहत कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं, 0%। सरपंच सेक्रेटरी द्वारा क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कोई काम ही नहीं, अभी आया नहीं हुआ थे, तो क्या करें, ना आवास का आ रहा ना मनरेगा का आ रहा, जो सैनिटाइजर ये बांटने के लिए आया ये भी कुछ नहीं मिला, रोजी रोटी का संकट तो बहुत ही बड़ा चल रहा है इस समय, मान लीजिए खाने के लिए तरस रहे हैं। राशन मिल रहा है? राशन हो गया, एक महीने मिलता है, दूसरे महीने नहीं मिलता, तीसरे मिलता। क्या बोलते हैं उनसे अगर आप लोग बात करें? बात किए थे अभी कल ही किए थे उनसे, राशन सरपंच साहब तो बोले अभी वहाँ से ऊपर से पैसे नहीं आया। किस चीज के लिए पैसा? मनरेगा के काम के लिए, मजदूरों के काम के लिए और आवास के लिए, बोले कि आवास दे दीजिए, जो जहाँ जिसका है तो सब घर में है अपना बना लेंगे, तो बोले अभी वहाँ शासन कुछ दे ही नहीं रही। क्या नाम है आपका? संतोष कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र सांगली। क्या करते थे? दारू बेचते थे। मनरेगा के तहत जो सरकार द्वारा काम दिया जा रहा है तो कुछ नहीं है? सरपंच लोगों से कभी आपने बात की? सरपंच यहाँ के एकदम पागल है, कोई काम की नहीं है। क्या बोलते हैं कभी आप लोग? कुछ काम की नहीं, कोई काम की, कुछ काम करें। यहाँ के रोड देखी ना, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ